हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आ रहा है त्योहारों का सीजन, रक्षाबंधन आ रहा है, लेकिन अगर मिठाई बाहर से लेते हैं तो वो हेल्दी नहीं होती है। घर पे बनाते हैं तो महंगी बहुत बनती है, मावा, मिल्क पाउडर ये सब लेना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी चार ऐसी रेसिपी जिनको आप बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर के बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं, और इनका स्वाद बहुत ही बढ़िया बनता है। बिल्कुल मार्केट जैसी मिठाई बना के तैयार करेंगे, बिना घी, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर के, बिना दूध के। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने चीनी ली है, ये मैंने चीनी ली है 1 कप। जिस भी कप से आप चीनी लें उस कप को मेजरमेंट के लिए रख लें। तो 1 कप चीनी ली है, और इसमें मैं डालूँगी अब 1 चम्मच घी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 1 चम्मच घी से हम आज बहुत ही स्वादिष्ट ये मिठाई बनाएंगे, और हमें इसको मेल्ट करना है। कब तक मेल्ट करना है? जब तक कि हमारी चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाती है, एक भी दाना साबुत नहीं रहना चाहिए। इसको चलाते रहें, फ्लेम को आप मीडियम कर लें। हाई पे करेंगे तो आपकी चीनी जो है वो कैरमलाइज हो जाएगी, इसका कलर जो है ब्राउन हो जाएगा, जो कि हमें भी नहीं करना है। बस चीनी मेल्ट हो जाएगी, इतना हमें करना है। फ्रेंड्स, चैनल पहली बार आए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोस देख पाएँ। तो आप देख सकते हैं चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे जिस कप से हमने चीनी ली थी उसी कप से हमें इसमें डालना है 3 कप दूध। तो यहाँ पे 3 कप दूध मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 5 मिनट इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। 5 मिनट मीडियम टू हाई या मीडियम टू लो आप जिस पे संभाल सकते हैं उस तरीके। थोड़ा सा थिक हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए दूध, तब तक इसको हमें जो है वो बॉयल करना है। तो आप देख सकते हैं दूध की कंसिस्टेंसी, दूध हमारी क्वांटिटी दूध की भी कम हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है। इसी तरीके से हमें इसे चलाते जाना है और इसको मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आप सिर्फ 3 कप दूध और 1 कप चीनी लेके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बना सकते हैं। तो अच्छे से बॉईल करते जाना है, फ्लेम अपने हिसाब से सेट कर लें। अगर आप हाई फ्लेम पर नहीं संभाल सकते हैं तो फ्लेम को मीडियम सेट कर लें। थोड़ा टाइम लगेगा पर आपका कुछ भी जलेगा नहीं। फिर जिस कप से हमने चीनी ली है, दूध ली है, उसी कप से 1 कप मैंने यहाँ पर मूँगफली के दाने ले लिए हैं। अब देख सकते हैं इनको भून लिया है इस तरीके से, और इनका छिलका उतार के मिक्सी में पीस लिया है। अब इस मूँगफली के जो पाउडर को है मैं इसमें मिक्स करना है, और इस टाइम मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें कोकोनट पाउडर यानी डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो इसमें अभी इस वक्त डाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, आपकी काजू कतली के टेस्ट वाली ये मिठाई बन के तैयार होगी बहुत ही अच्छे से। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही बढ़िया मिठाई बना के हम तैयार कर लेंगे। कंसिस्टेंसी इस तरीके से गाढ़ी होने लगे तो फ्लेम को लो पे सेट कर लें, और इस कंसिस्टेंसी पे हम इसको बंद कर देंगे। तो इसको अब हम इसमें निकाल लेंगे, एक प्लेट को ग्रीस कर लिया उसमें, और इसको ठंडा करेंगे। और जैसे ही ठंडी हो जाती है फिर हमें क्या करना है, इसके इस तरीके से गोले बना लेने हैं, और फिर इसे प्रेस करके पेड़े की शेप दे देना है। तो इसी तरीके से सारे पेड़े मैं बना लूँगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी आपके पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। यकीन माने कोई भी नहीं बता सकता कि आपने ये पेड़े जो है मूंगफली से तैयार किए हैं। इसमें आप इलायची पाउडर डाल देते हैं, अच्छी, थोड़ी अच्छी मात्रा में इलायची पाउडर डालेंगे तो बिल्कुल भी मूंगफली का टेस्ट इसमें नहीं आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसमें कोई घी, मावा, मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा हमें यूज नहीं करना है। मिल्क पाउडर तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, मावा बिल्कुल नहीं यूज करना है, दूध बिल्कुल यूज नहीं करना है। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही टेस्टी बर्फी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 100 ग्राम मूंग की दाल, जिसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। पहले मैं हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक रोस्ट करूँगी इसे, फिर फ्लेम को लो करके लगभग 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करूँगी। जब तक भूनना है आपको, जब तक कि इसमें से एक सौंधी सी खुशबू ना आने लग जाए दाल भुनने की, लेकिन ध्यान रहे दाल का कलर चेंज नहीं हो, यानी दाल जले ना, ब्राउन ना हो। तो लगभग आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे दाल को इस तरीके से भूनने में। इस तरीके को दाल को भूनेंगे हम। तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। दाल हमारी भून चुकी है। अब हमने यहाँ पर ले लिया है 300 ग्राम चीनी ली है, 150 ग्राम पानी लिया है, उसमें 2 चुटकी केसर डाल दी है, और इसको अच्छे से बॉयल करेंगे। 1 तार की चाशनी तैयार करेंगे हमेशा की तरह। तो इस तरीके से बॉईल करेंगे, फ्लेम को हाई रखें पहले, फिर लो पे कर लें, और इस तरीके से। और अब दाल जो है ठंडी हो चुकी है, उसको पीस लिया इस तरीके से। अब इसमें 2 चम्मच घी डालना है। घी नहीं है कोई बात नहीं, आप रिफाइंड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ सरसों का तेल यूज नहीं कर सकते हैं। फिर उसमें दाल डाल देनी है, और लगभग 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है, ताकि दाल अच्छे से घी में भुनने के बाद फूल जाएगी
और बहुत ही दानेदार आपकी जो है ये मिठाई बनके तैयार होगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है मूंग की दाल की मिठाई। आप बर्फी बनाएं, पेड़ा बनाएं, आप लड्डू बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है मूंग की दाल की। एक अपनी ही वैरायटी होती है, अपना ही टेस्ट होता है, तो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। इसको भूनना है, फ्लेम को लो रखना है और अब हमें डाल देना है इसमें जो हमने चाशनी तैयार की है उसको। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, फ्लेम को हाई कर लें ताकि अच्छे से आपकी दाल फूल जाए और इसमें एक अच्छा बॉईल आता रहे। अब इस कंसिस्टेंसी पे आप चाहें तो मिल्क पाउडर, चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं। कुछ नहीं है तो घर में जो मलाई है वो आप एक कप इसमें ऐड कर दें। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसका, बिल्कुल मावा वाली मिठाई आपको लगेगी। और फिर ये मैंने ले लिया लगभग 50 ग्राम, यहाँ पे मिल्क पाउडर ये भी डाल दिया है। और अब चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंसी को, इसकी गोली बनने लगे, यानी कि जब इसको हाथों में लें तो आपके हाथों में चिपके ना, और इसको जिस शेप में देना चाहें दे दें, बना दें उसकी शेप। तो इस कंसिस्टेंसी पे आपको गैस को बंद कर देना है। अगर आप हार्ड बर्फी खाते हैं तो 1 मिनट के लिए कुक कर लें तो आपकी बहुत ही बढ़िया थोड़ी सी हार्ड बर्फी बन के तैयार हो जाएगी। फिर इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करें, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है उनसे गार्निश कर सकते हैं। और फिर इसको आपको 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर यूं कहें कि जब तक ठंडी नहीं होती तब तक आपको छोड़ना है, ओवरनाइट छोड़ना पड़े। तो इस तरीके से अभी हल्की गर्म है बर्फी, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मुँह में घुलने वाली बर्फी तैयार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं चीनी, तो मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, 2 कटोरी चीनी ले ली, और अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। तो जितनी चीनी लेनी है उससे आधा आपको लेना है यहाँ पे पानी। और फिर इसको बॉईल करना है अच्छे से, फ्लेम को मैंने हाई रखा है। जब चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी तब हम फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे। जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती है इसको चलाते जाएंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। और आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है और अब यहाँ पे ले लिया है मैंने घी, 1 कटोरी घी लिया है। जिस कटोरी से घी लिया है उसी कटोरी से मैंने ले ली है सूजी, चाहे आप ग्राम में नाप लें, चाहे आप कटोरी या कप से नाप लें। फिर इसको हमें भूनना है, सूजी को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है। सूजी को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये ब्राउन हो जाएगी, तो हलवा जैसा आपकी बर्फी दिखेगी। तो इसलिए यहाँ पे इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन चारों रेसिपी में से आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है। लगभग 5 से 7 मिनट आपको सूजी भूननी है, उसके बाद आपको मलाई ऐड कर देनी है, जितनी भी आपके पास है उस हिसाब से ऐड कर दें। यहाँ पे भी लगभग मैंने 1 कटोरी जो है मलाई ऐड कर दी है, जितनी सूजी थी उतनी मलाई ऐड कर दी है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जब मलाई में से ऑयल छूटने लग जाएगा तो इसका मतलब है हमारी मलाई भी पक चुकी है। अब मलाई हमारी पक चुकी है और अब लेते हैं 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। जिस फ्लेवर की आप बर्फी बना के तैयार करना चाहते हैं उसी फ्लेवर का आप कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे ले सकते हैं। उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर में 3 से 4 चम्मच पानी डाल के इस तरीके से बैटर तैयार कर लें। इस बैटर को आप चाहें तो चाशनी में उबाल भी सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे ये चाशनी डालेंगे। चाशनी डालते वक्त अगर आपको गैस पे दिक्कत हो रही है, आप फ्लेम जला के चाशनी नहीं ऐड कर पा रहे हैं, तो फ्लेम बंद करके चाशनी ऐड कर लें, फिर फ्लेम को ऑन कर लें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस तरीके से इसे पकाना है। तो बहुत ही बढ़िया ये आपकी सूजी कस्टर्ड पाउडर की बर्फी बनके तैयार होती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जिस भी फ्लेवर की बर्फी आप चाहते हैं उस फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं और इसको चलाते जाएं आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बर्फी आपकी तैयार होगी। और अब मैंने इसमें डाल दिया कस्टर्ड पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से, और इसको ठंडा करते जाएंगे। तो सूजी है जैसे ठंडक होती जाएगी उतनी ही गाढ़ी होती जाएगी। तो अब इसको एक थाली ग्रीस करके उसमें डाल देंगे, थाली को टैप टैप कर देंगे। फिर इसमें डालेंगे हम डेकोरेटिंग के लिए, आप देख रहे हैं चेरी है मेरे पास, इनको डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ ड्राई फ्रूट जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और इसको हमें ठंडा होने तक छोड़ना है, जमने तक, 2 से 3 घंटे में जम के तैयार हो जाती है। फिर इसको कट कर लेना है। बहुत ही बढ़िया आपकी बहुत ही सॉफ्ट बर्फी बनके तैयार होती है। इसको आप फ्रिज में रख के हफ्तों तक खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, रक्षाबंधन दिवाली कभी भी बनाएं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनके तैयार होती है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बर्फी तैयार है हमारी। फ्रिज में रखेंगे थोड़ी हार्ड हो जाएगी ये, और थोड़ी और हार्ड बनाना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए इसे और कुक कर लें। और अब बनाते हैं नेक्स्ट रेसिपी, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी, जैसा कलर दिख रहा है, जैसी ये खुद दिख रही है उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, चलिए शुरू करते हैं ये आखिरी रेसिपी। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 150 ग्राम घी, कोई कटोरी ले लें, जितना घी आपको लेना है कटोरी के हिसाब से ले लें। फिर इसमें डालना है हमें 2 टेबल स्पून बेसन
सिर्फ 2 टेबल स्पून बेसन डालना है आपको, और बेसन को भूनना है मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में अब क्या करना है, इसमें लेनी है सूजी। जिस कटोरी से आपने घी लिया है उसी कटोरी से आप सूजी ले लें, थोड़ी कम सूजी लें उससे, और अब इसको अच्छे से हमें भूनना है। तो सूजी और बेसन की जब मिक्सचर बर्फी बनाते हैं आप मिक्स करके, तो उसका स्वाद जो होता है बहुत ही बढ़िया होता है। सूजी का अपना फ्लेवर है, बेसन का अपना फ्लेवर है, और ये सब दोनों चीज़ें मिलके बहुत ही दानेदार और बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बनके तैयार होती है। यहाँ पे फ्लेम को मीडियम हाई लो जैसे भी रखना है अपने हिसाब से रख सकते हैं, और जैसे जैसे भुनती जाएगी इसके दाने जो है सूजी के बड़े होते जाएंगे, बेसन का कॉम्बिनेशन इतनी बढ़िया खुशबू दे रहा है, तो बहुत ही आसानी से आप ये भी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कौन सी रेसिपी आपको पसंद आई ज़रूर बताएं, और इसको भूनते जाना है। बेसन सूजी भुना है नहीं भुना उसके लिए आप छींटे मारें, इसमें छन की आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब है अच्छे से आपका बेसन जो है वो भुन चुका है। और अब बेसन सूजी भुनने के बाद में मैं ले रही हूँ 1 कटोरी चीनी, जितनी हमने सूजी ली थी उतनी चीनी ले ली है, और आधा उससे पानी ले लिया है। 1 कटोरी सूजी ली थी, 1 कटोरी चीनी ले ली है, और आधा कटोरी पानी ले लिया है, यानी चीनी का आधा पानी ले लिया है। जब तक चीनी मेल्ट होती है तब तक हमें एक स्टेप करना है, 2 चम्मच दूध डाल के आपको इस तरीके से चलाना है सूजी को, तो इससे सूजी बहुत ही बढ़िया फूल जाती है, बहुत ही मोटे मोटे दाने हो जाते हैं इसके, तो बर्फ़ी आपकी और भी दानेदार बनके तैयार होती है। ये स्टेप ज़रूर करें, तो इससे आप बेसन के लड्डू बना रहे हैं तब भी उसमें 2 चम्मच दूध डाल के इस तरीके से चला लें। 1 तार की चाशनी बनके हमारी तैयार हो चुकी है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और अब क्या करना है हमें, अब हमें इस चाशनी में अगर आप चाहते हैं इलायची पाउडर, केसर, जो भी डालना चाहते हैं डाल दें। इस तरीके की 1 तार की चाशनी, चिपचिपी चाशनी बना के तैयार कर ली हमने, और आप फ्लेम को बंद करके इसमें डालेंगे चाशनी को, और फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे ताकि सूजी जो है अच्छे से उसमें चाशनी जाए, और फ्लेम को लो रखना है, हाई यहाँ पे नहीं रखना है, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही दानेदार रेसिपी तैयार होती है। इस कंसिस्टेंसी पे आप यहाँ पे कोकोनट पाउडर यानी डेसिकेटेड कोकोनट मिल्क पाउडर, मलाई, जो भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 पिंच इसमें फूड कलर डाल दिया है येलो वाला, ताकि जो हमारी बर्फी है वो बहुत ही बढ़िया लगे, बिल्कुल बेसन की बर्फी जैसे दिखे। तो कम बेसन में बेसन बर्फी खानी है, थोड़ी सूजी मिला दे उसमें, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट कॉम्बिनेशन से आपकी अच्छी सी मिठाई, अच्छी सी बर्फी बनके तैयार हो जाएगी। अब इस टाइम मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, और इसको अच्छे से चलाते हुए ऐसे पैन छोड़ने लग जाएगी, तो हमें इसे जो है फ्लेम को बंद कर देना है। और आप देख सकते हैं बर्फी जमने के लिए तैयार है, गोली बन चुकी है, और अब हम इसे इसी कढ़ाई में थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और फिर एक थाली ग्रीस करेंगे और उसमें डालेंगे अपनी इस बर्फी के बैटर को, अच्छे से फैला देंगे, और इसको डेकोरेट कर देंगे हम अभी भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट से। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं बादाम से इसे डेकोरेट कर रही हूँ, बारीक करके बादाम कट कर लिए हैं, टैप टैप कर दूंगी ताकि अच्छे से इस पर चिपक जाएं, और फिर थोड़े से गुलाब की पत्तियाँ इस पर डाल दूंगी सूखी हुई। और फिर इसको हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, बेसन सूजी बहुत जल्दी जो है जम जाते हैं, ठंडे करने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे इसे, और लगभग 3 घंटे के अंदर हमारी बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। अपने मनपसंद पीसेस में कट करें, स्टोर करें, बढ़िया से रक्षाबंधन, दिवाली, होली कभी बनाएं, बहुत स्वादिष्ट बनती है। कभी भी ये जो रेसिपीज हैं बर्फी की, पेड़े की, कभी पुरानी नहीं होती हैं, बहुत स्वादिष्ट बनके तैयार होती हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, अच्छी रेसिपीज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।